नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव का रंग पूरी तरह चढ़ चुका है। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज़्यादा चर्चाओं का शोर है, चाहे छोटे छोटे गाँव हों और बड़े बड़े कस्बे। गाँव से लेकर शहर तक लोकसभा चुनाव में जिले से प्रदेश और प्रदेश से देश तक की सियासत पर चर्चाएँ। हार जीत के अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने आंकड़े हैं। इसी बीच हम मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं। पहले चरण की सभी सीटों का हाल हम आपको बता चुके हैं और अब दूसरे चरण की सीटों का विश्लेषण किया जा रहा है। यूं तो अधिकांश सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर निर्दलीय और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी मुकाबले में हैं। कहीं पर दल बदल करने वाले नेताओं से भी नुकसान की आशंका है, लेकिन इसी बीच इन्हीं चर्चाओं के शोर में नेताओं के लिए आम से खास बने मतदाता खामोश हैं। इस खामोशी में सियासी हवा के रुख को पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हम सत्ता के महासंग्राम में इस हवा के रुख को भांपने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सत्ता के महासंग्राम में आज बात होगी रीवा लोकसभा सीट की। व्हाइट टाइगर के लिए पूरे देश में अपनी पहचान बनाए रखने वाली रीवा लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के अहम सीटों में से एक है। यह लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, जिसकी वजह से यहां पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों का वोट बैंक भी मौजूद है। इसकी वजह रीवा में त्रिकोणीय मुकाबले के हालात बनते हैं। इस लोकसभा सीट का गठन 1951 में ही किया गया था, तब से लेकर अब तक इस सीट पर किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। यह शायद पूरे प्रदेश की इकलौती ऐसी सीट है जहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल, बीजेपी और कांग्रेस के बारी बारी से सांसद चुने गए। पूरे प्रदेश में ऐसी कोई और सीट नहीं है जहां से इतनी पार्टियों के सांसद चुने गए हों। रीवा लोकसभा सीट ने ही प्रदेश को पहला बसपा सांसद दिया था। इसके अलावा यह सीट दो बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीती। फिलहाल कोई पार्टी रीवा लोकसभा सीट का गढ़ ठीक से नहीं समझ पाई है। हालांकि 2014 और 2019 में यहाँ से बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसके पहले यहाँ से बसपा पार्टी से सांसद रहे। इस बार भी बीजेपी ने जनार्दन मिश्रा को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस की नीलम मिश्रा से होगा। बता दें कि रीवा लोकसभा का नाम पूरे देश में व्हाइट टाइगर की वजह से फेमस हुआ है। एक दौर था जब इस क्षेत्र की राजनीति श्रीनिवास तिवारी या यूं कहें मध्य प्रदेश की राजनीति के सफ़ेद शेर के इर्द गिर्द घूमती थी। वो लगातार 10 सालों तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। उनके बेटा सुंदरलाल तिवारी ने प्रतिपक्ष सत्ता को संभाला और यहाँ से एक बार सांसद भी बने। हालांकि सुंदरलाल तिवारी को कांग्रेस ने 2009-2014 में भी टिकट दिया, लेकिन इसके बाद वो पार्टी को जीत न दिला सके। इसके बाद कांग्रेस ने सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी को टिकट दिया, लेकिन वो भी जीत दिलाने में नाकाम रहे। हालांकि इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसी में चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजेश पांडे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जितेंद्र मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अशोक शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करते हैं। रीवा का इतिहास तो हमने लगभग बता दिया है, लेकिन रीवा सीट की एक खासियत और है कि कभी ये कांग्रेस की गढ़ हुआ करता था और यहाँ तक कि नेहरू जी के रसोईया तक यहाँ से चुन लिए गए थे, लेकिन अब परिस्थितियाँ भिन्न हैं। बीजेपी ने कब्जा जमा लिया, बसपा इस बार भी ताल ठोक रही है। क्या लगता है आपको, त्रिकोणीय मुकाबला है या सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में? नहीं, जैसे मैं बसपा की तरफ से जो अभिषेक पटेल है, मैं बता दूं कि रीवा एक ऐसी सीट रही जहां सबसे पहले बीएसपी ने अपना खाता खोला था। तो जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अभी जो मुकाबला दिख रहा है वो है तो त्रिकोणीय मुकाबला। उसमें कांग्रेस ने नीलम मिश्रा को दिया है, वे मिश्रा की पत्नी है, सिमरिया विधायक रही है, और रीवा की जो आज विधानसभा की सीट है उसमें एक ही सीट है सिमरिया, यहाँ पे कांग्रेस इसको जीत पाई है, मिश्रा ही वापस से विधायक। और जो रीवा है, रीवा में जो जातीय समीकरण है उस लिहाज से जो यहाँ पे पटेल कैंडिडेट होते हैं, जैसा भी आप बता रहे थे कि किस तरह से बसपा से तो पटेल यहाँ पे सांसद रहे हैं, देवराज पटेल के पहले सांसद रह चुके हैं, जनार्दन मिश्रा दो बार से यहाँ पे सांसद है, उनका मुकाबला अपने चिरपरिचित प्रतिद्वंदी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनार्दन मिश्रा और अभय मिश्रा के बीच में चुनावी रंजिश नहीं है। ये जो दोनों जनता पार्टी में थे तब भी इनके बीच में जो है प्रतिस्पर्धा थी, आपस में इनकी बनती नहीं थी। जो जनार्दन मिश्रा है वो राजेंद्र शुक्ल के खेमे से है, राजेंद्र शुक्ल एक बड़ा चेहरा है, युवा में बड़ा नाम है, और फिलहाल तो जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लगातार पद बनाए हुए, इसकी मुख्य वजह ये, एक तो राजेंद्र शुक्ला ने जिस तरह से वहां पे कार्य किए,
और दूसरा ये है कि जो मोदी का चेहरा है, मोदी के चेहरे के आगे अब सब चेहरे फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीलम मिश्रा भी वहां कोई कमजोर नहीं है कि अभय मिश्रा वहां परिचित चेहरा है, पुराने कांग्रेस ये पुराने बीजेपी के हैं, बाद में वो कांग्रेस में आए, पिछला चुनाव विधानसभा का अभय मिश्रा ने रीवा से लड़ा था। और वैसे भी ये सीट नए चेहरों को मौका देती रही है, चौंकाती भी रही है हमेशा। लेकिन अभी इस बार के इलेक्शन में कोई चौंकाने वाली चीज इसलिए नहीं दिख रही कि पिछला इलेक्शन जनार्दन मिश्रा को 3 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीता था, तो इस खाई को बांटना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं, चाहे वो बसपा के अभिषेक पटेल हों या नीलम मिश्रा, थोड़ा मुश्किल है बाकी दलों। तो जितेंद्र जी, इस बार मुश्किल है क्योंकि खाई बड़ी है, 3 लाख से अधिक की खाई है, इसे पाट पाना आसान नहीं है और ऐसे चौंकाने वाले कुछ आसार दिख भी नहीं रहे। राजेश जी, छिंदवाड़ा का जो क्षेत्र है उससे ज्यादा वाइब्रेंट क्षेत्र रीवा का है। रीवा में आप देखेंगे तो वहां का मतदाता जागरूक मतदाता है, वहां पर जो स्थानीय मुद्दे होते हैं बहुत असर करते हैं। अभी भी मैं ये देख रहा हूँ रीवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के मतदाता खुश, सबसे बड़ा रोजगार का मामला है, चूंकि मैं वहां प्रभारी हूँ इसलिए वहां के लोगों के संपर्क में हूँ। मैं सोच रहा था जिस चीजों को मैं उठाऊंगा वो जब रीवा में पता चला कि रीवा तो इन सब चीजों को लेकर पहले ही बात कर रहा है, रीवा ने रोजगार की बात की, रीवा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मतदाता है, रीवा में नौकरी की तलाश में सबसे ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड है। उन्होंने ये कहा कि हम सवाल पूछना चाहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी आंकड़े गिराती है, चीन से ज्यादा विकास की बात करती है, लेकिन रीवा का मतदाता जो है वो अच्छी तरह से समझ रहा है कि इस बार उसे क्या करना है। देखिए रीवा में इस बात की चर्चा भी आमतौर पर उठाई जा रही है कि शासन ने सीमेंट उद्योगों में से और ज्यादा बढ़ोतरी क्यों नहीं की। भारतीय जनता पार्टी लगभग 20 सालों से सरकार में रही लेकिन रीवा में रोजगार के नाम पर कोई प्रयास नहीं हुआ। दूसरा बड़ा मुद्दा रीवा में जो उठा है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा। ना अस्पतालों की स्थिति रीवा में बेहतर हुई, ना शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई, रोजगार के साधन मैंने आपने बताया रीवा में कम रहे। उसके पीछे कारण ये रहा कि रीवा को मंत्रिमंडल में जगह देने में सरकार ने देर की, अपने मंत्रिमंडल में राजेंद्र शुक्ला को लास्ट में शामिल किया आपने देखा, कहीं ना कहीं गिरीश गौतम के बहाने कुछ वोटों में पैठ लग सकती थी तो अब वो भी नहीं है, इसलिए रीवा में कहीं ना कहीं नेतृत्व का अभाव भी दिख रहा है स्थानीय स्तर पर। दूसरी चीज, तो दूसरे नंबर की कुर्सी दे दी ना उनको। नहीं देखिए देने से समझ, मैंने आपसे क्या कहा, रीवा का मतदाता जागरूक मतदाता वो समझता है कि क्यों दी और किस वजह से दी, इसलिए मुझे लगता है अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल होने जा रही है ब्रजेश जी रीवा में, क्योंकि रीवा में ये सवाल उठ चुके हैं कि 100 दिन में महंगाई करके कि अगर नहीं करूं तो चौराहे पे सजा दे देना, ये सवाल प्रधानमंत्री के से पूछ रही जनता कि आज 10 सालों में भी महंगाई का स्तर कहां, 30 रुपए का दूध 66 रुपए में बिक रहा है, 60 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में बिक रहा है। चलिए ब्रजेश जी से जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश जी, रीवा ने भरपूर दिया आपको लेकिन उतना आप रीवा को लौटा नहीं पाए, आखिरी समय में आपने मंत्रिमंडल में जगह दी राजेंद्र शुक्ल को, और इसके अलावा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं अब भी बरकरार है। देखिए चौकसी जी, एक स्पष्ट बात है और इस बिंदु पर जो है मैं आदरणीय अशोक जी के तर्क से सहमत हूँ। विंध्य प्रदेश के गठन और विंध्य प्रदेश के गठन के पूर्व थोड़ा सा चर्चा करूंगा, अगर आपको मैं 30 सेकंड आप मुझे देंगे तब उसके बारे में सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल। 1951 के पहले जिसको रीवा की तासीर पता है, विंध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश था जहां समाजवादियों का आंदोलन फला फूला और पनपा। डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश ने जो है यहां पर जब नारा दिया कि पिछड़ा पाए 100 में 60, तब विंध्य प्रदेश की सीटें समाजवादी आंदोलन के इन योद्धाओं के साथ रहा करती थी और विंध्य प्रदेश की जनता ने बाद में नरेंद्र देव के प्रशोपा को भी महत्व दिया। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने खाता खोला, भीम सिंह पटेल सांसद के रूप में चुनाव जीत करके गए, उसके बाद में कांशीराम जी और मायावती जी संसद पहुंचे थे। कम्युनिस्ट पार्टी का उदय यहीं पर हुआ, सवर्ण समाज पार्टी के लक्ष्मण तिवारी ने यहाँ से लोकसभा में 1 लाख करीब वोट जुगाड़ा था जो आजकल कांग्रेस में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रीवा के मामले में जो हमारे काबिल मित्र ने कहा उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश में सिर्फ रीवा में है, एपीएस यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे मेडिकल संस्थान हो, इंजीनियरिंग संस्थान हो, सब कुछ हमारे रीवा में है। कमोबेश एजुकेशन को लेकर के और लोगों के अंदर अवेयरनेस को लेकर के रीवा नंबर 1। लेकिन
यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ से हमारे इलाहाबाद की सीमा लगती है, उधर बनारस की सीमा लगती है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की गतिविधियों का बहुत प्रभाव पड़ता रहा, इसीलिए बसपा और यहाँ सपा जैसी पार्टियां भी सफल हुई। मैं समझता हूँ कि अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर बनने के बाद यहाँ की पूरी राजनीतिक फिजा बदल चुकी है। आज लोग मोदी जी और मोदी जी की गारंटी के नाम पर भाजपा को वोट देना चाहते हैं। आज लोगों के अंदर इस बात के अंदर सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने जितना कहा, चाहे वो कश्मीर में 370 खत्म करने की बात रही हो, चाहे सीए की बात हो और चाहे अयोध्या मंदिर का विषय हो, राष्ट्रीय मुद्दों पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ा जाना, ये कोई नगर पंचायत, जिला पंचायत या पार्षद का चुनाव नहीं है, ये नेशनल लेवल का चुनाव है। यहाँ की जनता समझ रही है कि अगर हम जनार्दन मिश्र जी को चुनाव में जिता करके भेजेंगे तो मोदी जी मजबूत होंगे। मोदी जी के मजबूत होने का मतलब है इसका डेवलपमेंट और तेजी से होना, क्योंकि यहाँ के जो विकास पुरुष के नाम से विख्यात है माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, जो मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर रीवा को महानगरों की तर्ज पर डेवलप किया। आज यहाँ पर सबसे अधिक ओवरब्रिज आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्लाई ओवर मिल जाएंगे, रीवा के अंदर इको पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरे प्रदेश का देश का नंबर एक का बनवाया उन्होंने, रीवा की सड़कों को उन्होंने खूबसूरत सा बनवा दिया, रीवा के अंदर डेवलपमेंट इतना अच्छा कि पचमठा, पांच मठ, शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना किया था, रीवा में एक पांचवा मठ था पचमठा, उसका उन्होंने डेवलपमेंट करा दिया। रानी तालाब की बात हो, यहाँ की जितने सौंदर्यीकरण की बात हो, और इसके साथ एजुकेशन को लेकर मेडिकल क्षेत्र में कैंसर अस्पताल का उन्होंने अभी घोषणा किया। मैं समझता हूं कि मेडिकल के लेकर के राजेंद्र शुक्ल जी ने इतनी संजीदगी से काम किया और काम सामने आए लोगों के, क्योंकि देखिए ऐसा विकास एक दिन की बात नहीं होती, आदरणीय शुक्ल जी इस बात से मेरे सहमत भी होंगे, विकास सतत प्रक्रिया का नाम हुआ करता है, लेकिन राजेंद्र शुक्ल जी ने इसका न सिर्फ यहाँ की तस्वीर बदल दी, तकदीर भी बदल दिया। आज हमारा रीवा एयरपोर्ट जो बन रहा है, रीवा नंबर एक, उसके बाद का एयरपोर्ट जबलपुर हो रहा है रीवा नंबर, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी हमने आपसे कहा ना इलाहाबाद और बनारस से जुड़ रही है, डिफेंस की फ्लाइट भी उतरेगी तो लैंड कहाँ करेगी, रीवा में करेगी। इसके अलावा एजुकेशन को लेकर के उन्होंने जितने अच्छे तो काम किए, लगता है कि बसपा इस बार कोई फैक्टर नहीं है, अभिषेक मास्टर जो मैदान में है, क्योंकि हमेशा रीवा ने वो कुछ किया है जो कह रहे थे जीतन जी, इस बात से सहमत हूँ मैं कि बड़ा समझदार है वहाँ का मतदाता, हमेशा वो निर्णय लेता है, चौंकाता है, चाहे कम्युनिस्टों का वहां से प्रवेश हो या समाजवादियों का प्रवेश हो, मध्य प्रदेश में प्रवेश हुआ रीवा की जमीन से। तो चौकसे जी मैं 20 सेकंड बात खत्म करूंगा, रीवा में बहुजन समाज पार्टी तो उसी समय खत्म हो गई थी जब बहुजन समाज पार्टी के यहाँ के स्टालवर्ट नेता जो पहले चुनाव जीते गए थे, चाहे वो भीम सिंह पटेल रहे हो, उनसे लेकर के देवराज सिंह पटेल, वो भी छोड़ करके आ गए, और अब तो भाजपा के हमारे सम्मानित सदस्य देवराज सिंह पटेल। हम समझते हैं बहुजन समाज पार्टी का एक वर्ग जो यहाँ पे पटेल समाज हुआ करता था, वो एक समय करता था बहुजन समाज पार्टी को वोटिंग, लेकिन राजेंद्र शुक्ल जी ने जो यहाँ पर एक नए प्रयोग किए और यहाँ के महापौर में पटेल को जिताया, पटेल को लाया, एक नई राजनीति की शैली लाई, उससे क्या हुआ रीवा का पूरा जो नया रीवा है, जो नया डेवलपमेंट का क्षेत्र है, उसमें जाति फैक्टर नहीं है, उसमें व्यक्ति विशेष का फैक्टर है। यहाँ की जनता राजेंद्र शुक्ल जी को और जनार्दन मिश्र जी को देख करके और केंद्र में मोदी जी को देख करके, अब मोहन यादव जी को, उनके ससुराल रीवा में है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो हम समझते हैं इन सारे फैक्टर को देख करके सबसे अधिक मतों से अगर हम कहीं जीतेंगे मध्य प्रदेश में, आप इसको नोट करिएगा, 5.5 लाख की लीड से रीवा ही चुनाव जीत रही है आप पर भारतीय जनता पर। तो मनोज जी 5 लाख से जीतने का दावा कर रहे हैं, रीवा हमेशा चौंकाता है लेकिन बदल रहा है ब्रजेश जी के अनुसार, डेवलपमेंट की बात की उन्होंने, मोदी बड़ा फैक्टर है, राम मंदिर का भी मुद्दा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि नीलम मिश्रा इस बार टक्कर दे पाएंगी, और जो सिद्धार्थ तिवारी पिछली बार सामने थे जनार्दन मिश्रा के, वो बीजेपी में है? नहीं देखिए, जैसा अशोक जी ने बताया कि अंतर इतना ज़्यादा है ब्रजेश जी, और 17 बार जो चुनाव हुए हैं, ये एक दिलचस्प है कि 11 बार ब्राह्मण रहे हैं, जो चौंकाने की बात है। तो दर्शकों को बता दें, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके स्टाफ के जो रसोइये थे शिवदयाल उपाध्याय, वो भी यहाँ से 2 बार लोकसभा का चुनाव जीते, लगातार 3 बार तो कांग्रेस ही रही वहां से, लेकिन ये दृष्टिहीन सांसद देने वाला भी रहा है। जमुना प्रसाद शास्त्री, वो अक्सल में बचपन से नहीं थे, लेकिन गोवा आंदोलन, मुक्ति आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, जिसकी यात्रा के बाद उनकी आंखें की रोशनी गई, लेकिन बिल्कुल। और एक बात और भी है, लेकिन जब वो चुनाव मैदान में थे मारतंड सिंह के खिलाफ, तब उन्होंने उसी मारतंड सिंह से अनुरोध किया था, तो उनको उन्होंने पैसा भी दिया था और एक जीप भी दी थी प्रचार के लिए, जिसपे उन्होंने प्रचार करके महाराजा मारतंड सिंह को चुनाव हरा दिया था। तो ये रीवा की तासीर रही है। लेकिन अब जो पिछले 3-4 चुनाव की हम बात करें, 98 में बीजेपी ने पहली बार यहाँ से चुनाव जीता था, 89 में, उसके बाद से एक चुनाव छोड़ दें तो लगातार बीजेपी को यहाँ जीत मिलती रही है। 2009 में भी जब मध्य प्रदेश के तमाम सारे हिस्सों में कांग्रेस सीट जीती थी, चाहे वो उज्जैन की बात कर ले हम, चाहे वो मंदसौर की बात कर ले हम,
कई सारे दिग्गज वहाँ चुनाव हार रहे थे, लक्ष्मण पांडे हो, सत्यनारायण जटिया हो, थावरचंद गहलोत हो जो अभी राज्यपाल हैं, और इंदौर में सुमित्रा महाजन की लीड घट के 10,000 रह गई थी, लेकिन तब भी रीवा ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा था। और ये इसके पीछे जो संघ का अपना एक नेटवर्क रहा लंबे समय तक, उन्होंने जो कांग्रेस के उस समय के स्थापित नेता थे उनको तोड़ के बीजेपी के साथ जोड़ा, चाहे राजन शुक्ल की बात करें, अजय सिंह की टीम में यूथ कांग्रेस के समय वो रहे थे, तो भगवत शरण माथुर जो संघ के नेता रहे बीजेपी मध्य प्रदेश में, उन्होंने इस दिशा में काफ़ी काम किया था। शुक्ला जी को मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, और उसके बाद से बीजेपी ने धीरे धीरे उसको अपना गढ़ बनाया है। और आज की जो स्थिति है कि पूरे प्रदेश की हम बात कर लें कि जिस अनमने ढंग से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, अगर इक्का दुक्का सीटों को आप छोड़ दें कि आप पूरी 29 सीटों की बात कर रहे हो, तो आपको खबर आएगी कि दिग्विजय सिंह पदयात्रा कर रहे हैं, खबर आएगी कि छिंदवाड़ा में मामला रोचक फंसा हुआ था, खबर आ रही थी कि मंडला में ओंकार सिंह टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा आप जिस सीट की बात कर लीजिए तो कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि चुनाव हो रहा है। और दूसरी बात है जो जनार्दन मिश्रा, वो डाउन टू अर्थ उनके बारे में कहा जाता है, जैसे एक मंत्री हम देखते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर कि वो अपने विभाग से ज्यादा साफ सफाई उसी तरह से हम देखते हैं, कभी टॉयलेट साफ करना है, ग्रामीण इलाकों में निकल जाना है। तो जितेन जी मुश्किल है बहुत, क्योंकि आपका प्रचार भी वहां दिख नहीं रहा है, आप तो प्रभारी हैं, लेकिन एक तरफ शिवराज सिंह चौहान वहां जा रहे हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए, और जनार्दन मिश्रा जो जनता के बीच में रहते हैं उनकी छवि भी अलग है। देखिए ब्रजेश जी, मैं अभी ब्रजेश पांडे जी को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि जनार्दन मिश्रा के कामों पे नहीं मोदी का चेहरा देख के वोट देंगे। मुझे लगता है कम से कम सांसद के विकास कार्यों को तो बताना चाहिए। मैं लगातार कह रहा हूँ कि सांसद द्वारा रीवा में कोई विकास नहीं किया गया, जब तो विकास हुआ वो सांसद का भी योगदान रहेगा ना, प्रतिनिधि तो वही है। जो सैनिक स्कूल की बात की, जो शिक्षा संस्थानों की बात की, सारे के सारे कांग्रेस सरकार के समय के विकास गिनाए, चाहे सीमेंट फैक्ट्रीज की बात हो, चाहे रोजगार के दूसरे साधन। सवाल इस बात का उठता है कि 20 सालों से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनार्दन मिश्रा के नाम कौन सी विकास की इबारत है वो मुझे बताना चाहिए था। रहा सवाल मोदी के नाम पर चुनाव जीतने का, तो मैंने फिर कहा कि रीवा जागरूक मतदाताओं का क्षेत्र है, वो ये पूछ रहे हैं कि 100 दिन में महंगाई करके सजा देने की बात करने वाले लोग महंगाई कम क्यों नहीं कर पाए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करने वाले लोग, आज 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करने वाले लोग, आज बीफ की कंपनी गौ मांस का व्यापार करने वाली कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, ये छिपा नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम यह है, एक मंत्री के चपरासी का छापा डालो प्रदेश जी, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। किसान कानून लाए, इन्होंने कहा किसानों की हालत में सुधार होगा, आखिर वापस लेना पड़ा। नोटबंदी देश का क्रांतिकारी फैसला, आराम ब्रजेश जी, आखिर क्या हुआ, फ्लॉप हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन नोटबंदी वगैरह इन पर तो चुनाव हो चुके ना जितेन जी, क्या ये मुद्दे आपको लग रहे हैं? आज आज मुद्दा फिर वही खड़ा है, चूंकि सामने मोदी जी का चेहरा है इसलिए सवाल उनसे पूछे जाएंगे, और आप बताइए इनमें से कौन सा मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं है, सारे के सारे मुद्दे जनता के मुद्दे है। रक्षाबंधन पर 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात हुई थी, कौन से रक्षाबंधन तक इंतजार करना पड़ेगा? सवाल था यही मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में कितना जा रहे हैं जितेन जी, यही तो मेरा सवाल था। मुद्दे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये मुद्दे नहीं है, आप उन मुद्दों को कितना प्रभावी कितनी धार दे पा रहे हैं? आपने देखा पद यात्रा के माध्यम से, आपने देखा घर घर चलो अभियान के माध्यम से, गांधी चौपालों के माध्यम से इन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम हुआ रीवा में महापौर हमारे पास आ गया, उसी का परिणाम हुआ एक और बिंद की महापौर भारतीय जनता पार्टी से छीन ली गई। ये सारे परिणाम बताते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन आप महापौर से संतुष्ट हो जाते हैं, वो सत्ता आपसे छीन के चले जाते हैं, ब्रजेश जी जवाब दे रहे हैं, ब्रजेश जी ये तमाम मुद्दे प्रभावी हैं वहां पर? देखिए जोगसे साहब, बहुत ही विद्वान व्यक्ति यहाँ पर आज के इस डिबेट में आपने सम्मिलित किया है, आदरणीय मनोज वर्मा साहब को, क्योंकि मैं बहुत कदर करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ अक्सर, और आदरणीय शुक्ला जी को मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ, और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्रों खासतौर से, ये खुद इस बात की स्वीकारोक्ति करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हम तो हमारे यहाँ जो एवेरियंस है बहुत ज्यादा है, और मतदाता यहाँ का बड़ा प्रबुद्ध है, हमारे यहाँ के
नेत्रहीन सांसद जितनी गोवा आंदोलन में आंख फूटी थी यमुना प्रसाद शास्त्री की पाठशाला से तब कर निकले हुए जनार्दन मिश्र जी हैं, शुक्ला जी या वर्मा जी इस चीज के बारे में बखूबी बताएंगे। और जो उनकी पाठशाला से निकला और जिसकी जिसकी सहजता सरलता ईमानदारी के बारे में माननीय मोदी जी ने कहा और उन्हें स्वच्छता अभियान ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था विंध्य प्रदेश का जनार्दन मिश्रा जी को, इससे बड़ी बात क्या होगी? सिमरिया की बात को, सिरमौर की बात को, रीवा में जो गुड़ का सोलर पावर प्लांट बना उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी की तो जनार्दन मिश्रा जी की थी। रीवा के यहाँ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना जनार्दन मिश्र जी की उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिला चिकित्सालय में भी लड़ झगड़ करके माननीय राजेंद्र शुक्ल जी ने और वो सतना होने वाला था उसको रीवा लेकर के आए जो नया कैंसर यूनिट बना। सब में सांसद जी की बड़ी सक्रिय भूमिका थी। सब लोग जानते हैं कि किसी समय पहुंच जाएगा कोई भी आदमी एरिस्टोक्रेट नेता नहीं है। बताया ना जो शास्त्री जी की पाठशाला से निकले घनघोर समाजवादी थे, पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, बाद में बीजेपी में आए थे और जब से आए, जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने रीवा के विकास के अंदर जो भी आज इमारत तैयार किया वो बड़ी बुलंद इमारत है। सबसे बड़ी बात यह भगवत शरण माता जी जब यहाँ सभा के संगठन मंत्री थे तो उन्होंने विंध्य प्रदेश के ऐसे नेताओं को जोड़ा, चाहे माननीय राजेंद्र शुक्ल जी हो, चाहे नागेंद्र सिंह जी रहे हो, चाहे जनार्दन मिश्र जी रहे हो, चंद्रमणि त्रिपाठी जी रहे हो, जहां से भाजपा के सांसद थे, ये सब माथुर साहब की खोज है। और हम समझते हैं माथुर साहब जैसा दैदीप्यमान यहाँ पर संगठन मंत्री था जिन्होंने एक व्यक्ति को पहचाना और जो जितने भी आप सोचिए उस समय कांग्रेस के खिलाफ जो डेमोन्स्ट्रेशन होता तो यही लोग हुआ होते थे। और इन्होंने जो कहा कि जो विकास हुआ कांग्रेस के जिन्हें शायद भूल जाते हैं जनार्दन मिश्र जी, जब गोविंद नारायण सिंह जी की सरकार थी और गोविंद नारायण सिंह जी माननीय गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री थे संबित सरकार के, तो रीवा के अंदर जो है जो यूनिवर्सिटी बनी अध्यक्ष प्रताप सिंह विद्यालय गोविंद नारायण सिंह जी के समय हुई, यहाँ का जो डेवलपमेंट हुआ वो सारा सब कुछ जो हुआ वो मोरारजी देसाई के समय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, उसके समय हुआ। बाकी नेता बातें कर रहे थे, यहाँ के बड़े एक नेता थे वो यहाँ की जो वो थी रीवा का टीआरएस कॉलेज और रीवा के कमिश्नरी वो सीधी ले जाना चाह रहे थे, इसके पीछे महाराजा रीवा मार्तंड सिंह जी ने पब्लिक मीटिंग में कह दिया तो विकास भी मुद्दा है, नेता है देश के, बीजेपी भारी भी दिख रही है शुक्ला जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो छत्रप कम हो गए, छत्रप जो शक्तिविहीन हो गए हैं उसका असर भी है? कभी रीवा में सुंदरलाल तिवारी छत्रप हुआ करते थे, अर्जुन सिंह हुआ करते थे, अब वैसा रीवा में कोई एक नेता नहीं बचा आप बिंद में कांग्रेस के पास, इसकी वजह से भी कांग्रेस कमजोर होती गई शुक्ला जी? कांग्रेस ने कोई नेता नहीं, जो विंध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस में बिखराव बहुत जबरदस्त बिखराव है, वो केवल बिखराव नहीं है टकराव भी है। टकराव का नतीजा तो हम लोग देख ही रहे हैं किस तरह से राहुल समर्थक जो है पार्टी छोड़कर जो है कांग्रेस में जा एक एक करके जा रहे हैं। जीतू पटवारी को जब से अध्यक्ष बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से विंध्य प्रदेश में जो एक खलबराहट बची हुई है खासतौर पर राहुल समर्थकों के बीच, उसका खामियाजा सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा गुजर रहे हैं और मुझे लगता है कि रीवा में भी इसका जो है व्यापक असर देखने को मिलेगा। और जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि इसमें बहुत सारे नेता जैसे चंद्रमणि त्रिपाठी जी जो था, राजेश शुक्ल जी भी कांग्रेस में ही थे, जनार्दन मिश्रा जी जो है वो डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो जनता से जुड़ते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और चूंकि राजेंद्र शुक्ल की वो काफी करीबी भी है, ये कह लें दोनों के बीच में अच्छा तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, जिसका बड़ा फायदा जो है बीजेपी प्रत्याशी को मिलता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता के पार्टी के पास में एक ऐसा चमत्कारिक नेतृत्व है जिसके पीछे पूरा देश चल रहा है, 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ मिल रहा है, लाडली बहना का जो लाभ मिल रहा है। और कांग्रेस की स्थिति यह है कि मुद्दे उसके पास गिनाने के लिए मुद्दे बहुत है, लेकिन जैसा भी आप भी कह रहे थे कि वो सड़कों पर उतरती नहीं है, संघर्ष नहीं करती है, जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, तो जाहिर है कि चुनाव में इस तरह के मुद्दे जो होते हैं वो केवल बातों के काम आते हैं, वास्तव में जनता ना तो उस तरफ आकर्षित होती है और न जनता जो है उस पर ध्यान देती है। तो फिलहाल तो कांग्रेस की स्थिति यही है कि वहां पर वो एक नया चेहरा नीलम मिश्रा नया चेहरा है रीवा के लिए। इस संदर्भ में कह रहा हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव पहली लगे हुए हैं, हालांकि 2013 में वो विधायक थी, वहां से सिमरिया से विधायक थी, अभी मिश्रा की बीजेपी से विधायक थी और बीजेपी में जब इनकी कुछ अंदरूनी खटपट हो गई, जनार्दन मिश्रा से ही खटपट हुई जिसके चलते अभी मिश्रा ने और नीलम मिश्रा ने तो बीजेपी। जितेंद्र जी छोटा सा कमेंट, आपकी पार्टी में बिखराव भी है, टकराव भी है, गुटबाजी भी है, दूसरी तरफ बीजेपी में एक एकता है, चाहे वो राजेंद्र शुक्ल की बात कर लें, चाहे जनार्दन मिश्रा जी की बात कर लें, चाहे अन्य नेताओं की बात कर लें, इससे कैसे निपटेंगे आप? नहीं देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होता है कि मोरारजी के टाइप का विकास दिखाया जा रहा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज विकास की बात करने के लिए इनके पास क्या है। मोदी का विकास बताइए,
महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे, प्रधानमंत्री आवास, तमाम तरह की काम नहीं है, जनता में कितना प्रयास हुआ ये देखना पड़ेगा। आज आप मुझे ये बताइए कि महंगाई क्या रीवा में बढ़ी नहीं है, क्या बेरोजगारी रीवा में बढ़ी नहीं है, क्या काला धन की बात रीवा तक नहीं पहुंचती थी, क्या सजा देने की बात रीवा तक नहीं पहुंचती थी? अगर विकास आपके पास गिनाने को नहीं है तो मोरारजी देसाई का विकास गिनाना पड़ेगा आपको। मैं फिर पूछता हूँ, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश के रीवा में? आरोपों की छड़ी है, सुधार कराना पड़ेगा। आप ये बताइए, इस देश के 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में विकास कहां तक पहुंचा है। निश्चित तौर पर की तरह तो नहीं कि कोरोना काल में घर राम मंदिर के प्रकाश में लड़ा गया, क्योंकि समय की बात देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रीवा में मुद्दे भी हैं, जनता भी समझदार है, लेकिन इस बार चमत्कारिक चेहरा मोदी के रूप में बीजेपी के पास है, एकता है बीजेपी के पास, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी भी है, टकराव भी है, बिखराव भी है। अब कांग्रेस ऐसे में कैसे मुकाबला कर पाएगी, बसपा कितना नुकसान पहुंचा पाएगी और नुकसान पहुंचाती है किस दल को पहुंचा पाएगी, ये देखना होगा। इसके लिए लोकसभा चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा, तब पता चलेगा कि किसकी और किसने मेहनत की और किसने बाजी मारी। तब तक लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।